नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव बालियान का कांग्रेस पर निशाना, कुचामन में बोले सरकार ने पूरे नहीं किए वादे, इसलिए कर रही है घोषणा। कुचामन सिटी नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के बीआर काबरा सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में जिले भर से प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत नागौर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, केंद्रीय पशुपालन डेयरी व मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश ने वही मुकाम हासिल कर लिया है जो पिछले 70 साल में भी हासिल नहीं किया जा सका। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। सम्मेलन को पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा के विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी निशाने साधे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पिछले दिनों की गई एक के बाद एक घोषणाओं पर व्यंग करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि आखिर 6 महीने की सरकार है और इस सरकार को अपने वादे पूरे नहीं करने, सिर्फ घोषणा करनी है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाओं पर घोषणा करते जा रहे हैं, उन्हें ये पूरे ही नहीं करनी है, क्योंकि 6 महीने बाद राजस्थान में कांग्रेस चुनाव में पराजित होगी और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। और भी आगे की रणनीति, अब चुनावी रण हो चुका है, मोदी जी ने अजमेर में सभा कर दी, क्या है आपका चुनावी? देखिए, ये पहली बार नहीं है, लगातार मोदी जी का एक रहा है कि साल के अंत में हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर विधायक, सांसद, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में काम होता है, क्योंकि चुनाव से पहले आखिरी साल है, आप कह सकते हैं 9 साल पूरे हुए, तो 9 साल में जो काम हुए विशेष रूप से केंद्र सरकार के द्वारा और हर जनपद में, तो प्रेस के माध्यम से या और माध्यम से लोगों के बीच जाकर 9 साल के काम बताना है। अब मैं कल से लगातार नागौर में हूँ, तो मैंने कहा जो नए काम हुए वो दिखाइए आप मुझे। तो मेडिकल कॉलेज बना तो केंद्र सरकार ने बनाया, एग्रीकल्चर कॉलेज बना सी आर चौधरी जी की मेहनत से आया केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय बना तो केंद्र सरकार, आरओबी बने तो केंद्र सरकार, आउट रिंग रोड बनी तो केंद्र सरकार। तो मैं कल से ये भी ढूंढ रहा हूँ कि क्या प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी अगर कोई काम किया हो ग्रामीण सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की है मरम्मत या बनाना, उसके अलावा तो मुझे 2 दिन से वो काम नहीं मिल रहा कि जो प्रदेश सरकार ने किया, यही अंतर बताना है लोगों को। 4.5 साल हो गए प्रदेश सरकार को, उनका कोई काम दिखाई देता, केंद्र सरकार के लगातार काम, जबकि प्रदेश के ज़्यादा होना चाहिए, केंद्र के काम कम होने चाहिए, उनका काम। तो यही काम बताने के लिए जनता के बीच में हम लोग हैं कि जो कल्याणकारी योजना है वो और डेवलपमेंट वर्क मोदी सरकार ने किया। एनडीए का आग्रह नीतीश कुमार विपक्ष को एक कर रहे हैं, विपक्षी एकता का नारा दे रहे हैं, 15 पार्टियों का सम्मेलन रखा है बिहार में, ये सब लोग एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये चुनौती भारी पड़ेगी बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे इस समय? देखिए, पहले हमें भी लगता था भारी पड़ेगी, लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीट हुआ है, सारा विपक्ष एकजुट हुआ था, सपा बसपा लोकदल का गठबंधन था और कांग्रेस ने भी बहुत जगह समर्थन किया, जैसे मेरी खुद की सीट को कांग्रेस ने समर्थन किया और हम चिंतित भी थे, लेकिन अंत में 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और रिकॉर्ड 51% मत हमने प्राप्त। आप राजस्थान की बात करो, जो विपक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, तो संगठित होने से तो राजनीति में कभी 2-2 4 भी होते, राजनीति में 2-2 0 भी हो जाते हैं, तो जब विपक्ष इकट्ठा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वोट बैंक इकट्ठा होता है। गहलोत सरकार चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, चौथी बार गहलोत सरकार, क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कहूँगा कि राजस्थान में अपनी पार्टी बहुत पुरानी है कि दोबारा मौका आप लोग किसी को देते हैं। दूसरी बात, 4.5 साल
पायलट गहलोत की लड़ाई में बीत गए और कोई काम नहीं हुआ। 6 महीने पहले जनता के हित में कि भाई आयुष्मान योजना की जगह अपनी योजना लेकर आना, बिजली का फ्री, एक लॉलीपॉप बांटने शुरू किया आखिरी 6 महीने। और अब आम जनता इतनी समझदार हो चुकी, उसे पता है कि लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, ये 6 महीने की सरकार है। अगर ये काम करने थे तो 5 साल पहले करते, जब हमें पता लगता हाँ जनता के लिए कुछ बेहतर किया है, क्योंकि कहीं से तो रिवेन्यू आएगा इन काम करने का, वो तो करके भाग जाएंगे। जैसे पेंशन की बात थी, उन्होंने की सरकारी अधिकारी कर्मचारी को पेंशन दूंगा, उन्हें अच्छी तरह पता था कि 2030 तक कोई रिटायर नहीं होगा, तो जो भी लोड पड़ेगा 2030 की सरकार में पड़ेगा। तो ऐसी घोषणाएं करते हैं हमेशा वो, कि जो पूरी नहीं करने की कोई इच्छा नहीं होती ना होती। जनता इन बातों को समझ चुकी है और जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। देखिए प्रदेश और केंद्र में सरकार एक पार्टी हो तो कोऑर्डिनेशन से बेहतर काम हो पाते हैं। अब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के पैसे दिए, उनमें से कमीशन खोरी करके भ्रष्टाचार कर दिया प्रदेश सरकार ने, तो दोनों सरकारें एक विचारधारा की हो तो काम बेहतर होता। सर एकमात्र मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आपके भी तो वसुंधरा वर्सेज अदर्स, वसुंधरा वर्सेज संघ, वसुंधरा वर्सेज भाजपा, ऐसा 13 से 18 जगह है सर। देखिए 13 जब ये मैं आपके बात से सहमत हूँ, तो गुरुबाजी हराज जी पार्टी में, लेकिन जब 5 साल वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थे 13 से 18 कोई चैलेंज या कोई बात कभी थी। बात यह है कि आपसी गुटबाजी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सरकार के ऊपर हावी हो गए और दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लग रहे हैं 4 साल। जो 4 साल सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए था उसमें भी आपसी वो गुटबाजी नहीं कहूँगा जो उनके बीच में, वो तो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुटबाजी थोड़ा कर रहे हैं। गुटबाजी चलो हमारे अंदर हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन तो लड़ाई आर पार की लड़ाई तो वसुंधरा जी की भी है। नहीं बिल्कुल नहीं है, वसुंधरा जी हमारी सीनियर नेता है, पिछला 5 साल कार्यकाल मुख्यमंत्री का उनका ऐसा रहा, कोई चैलेंज किसी की तरफ से नहीं हुआ, अपनी सीनियर नेता है पार्टी। राज्य सरकार ने चमन नवा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यहाँ अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, और आपको भी ट्रेनों के बारे में बताया गया। देखिए पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार जिन क्षेत्रों में काम करती है, एक तो नेशनल हाईवे पर काम करती है, एक रेलवे का काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन आपके यहाँ हो ही रहा है, नए रेलवे स्टेशन बन ही चुके हैं, तीसरा काम केंद्र सरकार का अलग अलग योजनाओं में पैसा देना है, हम काम सीधा नहीं कर सकते उनको, काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए। और आप एक दो बड़ी सी घोषणा बता दो, मैं कल से ढूंढ रहा हूँ यार प्रदेश सरकार को बड़ा सा काम, मुझे बताओ कुछ उन्होंने क्या क्या, तो कम से कम मैं भी तो कहूँगा लोगों को प्रदेश ने भी कुछ क्या, आप बताओ एक दो बड़ा काम ग्रामीण सड़कों के अलावा कुछ अमन में प्रदेश सरकार ने क्या किया। आपने मुझे कहा कि बहुत काम है तो मुझे बता दो एक बार, तो पत्रकार मुझे तो कुछ तो बताओ। यहाँ 10 कॉलेज की घोषणा हुई है, जिला मुख्य जिला की घोषणा हुई है, जिले को लेकर हालांकि पेज फंसा हुआ है आपके। मुझे घोषणा मत बताओ, मुझे काम बताओ। अब घोषणा बहुत बड़ी बड़ी में करके चले जाओ, घोषणा मत बताइए। 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने कुछ अमन छोड़िए नागौर में क्या किया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बता दो क्या कुछ अमन को ट्रेन की सौगात केंद्र सरकार देगा। देखिए मेरी ट्रेन की बहुत सी समस्याएं इस जनपद से आई, अलग अलग कई ट्रेन के रुकने की, इन्हीं ट्रेनों की बहुत मांग रही है। मैंने CR चौधरी साहब को भी कहा है और पार्टी के कार्यकर्ता भी, मैंने कहा 15 जुलाई के बाद दिल्ली में सत्र चलेगा, ये लोग आए हम रेल मंत्री के पास जाएंगे, जो संभव होगा वो करने का प्रयास करेंगे। सभी मांग तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन प्रयास रहेगा कि कुछ न कुछ काम उनमें से हम लोग ले आए। यहाँ का नावर जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे बड़ी इनकम देता है रेलवे को, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, नेट ट्रेनों का ठहराव है और बहुत लोग परेशान है, कई बार मंत्रियों को और अधिकारियों को मिलना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने बताया ना 15 जुलाई के बाद यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो दिल्ली आएगी और मैं स्वयं उनके साथ जाकर रेल मंत्री से मिलूँ, और जो अलग अलग स्टेशनों की अलग अलग डिमांड है उनमें से कोशिश करेंगे कि जनपद में कुछ ना कुछ काम करवा दें।